नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र प्रसाद और इस समय आप मेरे चैनल राज फोटो टेक को देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अपने फोटोग्राफ को सिनेमैटिक लुक कैसे प्रदान किया जाए। एक फोटोग्राफर का एक अपना स्टाइल होना जरूरी है। यह स्टाइल ही आपकी तस्वीरों को एक यूनिक लुक प्रदान करती है और उन्हें यह अन्य फोटोग्राफर की तस्वीरों से अलग बनाती है। मूवी इंडस्ट्रीज में एक तकनीक का उपयोग कर मूवीज को एक अलग सिनेमैटिक स्टाइल प्रदान किया जाता है। अगर आपने मैट्रिक्स फिल्म देखी हो तो आपको इस स्टाइल का प्रयोग वहां स्पष्ट दिखाई देगा। यह इफेक्ट कलर ग्रेडिंग और लट का उपयोग कर क्रिएट किया जाता है। इसी तकनीक को अब स्टिल फोटोग्राफी में भी उपयोग कर उन्हें एक अलग प्रोफेशनल हॉलीवुड लुक प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। इसका उदाहरण आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। कलर ग्रेडिंग आपकी तस्वीरों में एक क्रिएटिव कलर इफेक्ट देता है जो एक अलग ही कहानी बयां करती है। इसका कोई नियम नहीं है कि कौन सा कलर इस्तेमाल में लाया जाए। यह पूर्णता आप पर और आपकी कहानी पर निर्भर करता है कि आपको अपनी तस्वीर में कैसा प्रभाव लाना है और कौन सा सिनेमेटिक इफेक्ट देना है। अगर आपको अपनी एक अलग स्टाइल बनानी है तो आपको उसे खुद क्रिएट करना होगा। कलर ग्रेडिंग और सिनेमेटिक इफेक्ट देने के लिए फोटोशॉप में कई तरीके हैं। कुछ में तो घंटों लगते हैं जबकि कुछ में सेकेंड्स में आपको परिणाम प्राप्त हो जाता है। सिनेमेटिक लुक प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका कलर लुकअप टेबल या लट का इस्तेमाल करना है। इसे ही कलर ग्रेडिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि लट्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए और उसे खुद कैसे बनाया जाए। बहुत से फोटोशॉप यूजर्स भी यह नहीं जानते हैं कि फोटोशॉप में पहले से ही बहुत से लट्स फ्री में दिए जाते हैं और आपको अधिक लट्स की ज़रूरत हो तो आप उन्हें नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। उनमें कुछ तो फ्री हैं और कुछ को आपको खरीदना पड़ सकता है। आप ल्यूटिफाई मी या रॉकेट स्टॉक से भी फ्री लट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आइए पहले देखते हैं कि लट्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसके लिए मैंने पहले से ही एक तस्वीर खोल रखी है जिसे आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। अगर आपने फोटोशॉप में लेयर पैनल नहीं खोल रखा है तो F7 दबाकर उसे खोल लें। अब लेयर पैनल के नीचे न्यू एडजस्टमेंट लेयर आइकॉन पर क्लिक करें और कलर लुकअप एडजस्टमेंट को खोल लें। इससे आपके लेयर पैनल में एक नया एडजस्टमेंट लेयर बन जाएगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और कलर लुकअप का एक पैनल भी स्क्रीन पर खुल जाएगा। कलर लुकअप पैनल में 3D लट फाइल को सेलेक्ट करें और उसके दाहिनी तरफ क्लिक करें। आपके सामने लट्स की एक लिस्ट खुल जाएगी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर आप किसी भी लट को चुनकर अपने इमेज पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इनमें से अलग अलग लट्स पर क्लिक करके उन्हें अपनी इमेज पर अप्लाई करें। आपको तुरंत ही अपनी तस्वीर पर उनका असर दिखाई पड़ेगा। यह बिल्कुल ही आसान है। अब मैं आपको स्क्रीन पर खुले इमेज पर कुछ लट्स का इस्तेमाल कर दिखा रहा हूँ, जैसे 3D स्ट्रिप लुक, कैंडल लाइट, क्रिप्स वार्म लुक, क्रिप्स विंटर लुक, ड्रॉप ब्लू, फॉगी नाइट, फ्यूचरिस्टिक ब्लू, हॉरर ब्लू, लेट सनसेट, मूनलाइट, टील ऑरेंज। इसके अलावा भी एब्स्ट्रैक्ट और डिवाइस लिंक में बहुत से लट्स रहते हैं, उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इन्हें भी खोलकर इनका इस्तेमाल करके देखें। जैसे एब्स्ट्रैक्ट में यह है बैकलाइट पोस्टर, गोल्डन क्रिम्सन, ग्रीन रेग, ये सब अपना अलग ही इफेक्ट देते हैं। सिनेमेटिक इफेक्ट क्रिएट करने का यह सबसे आसान तरीका है। कुछ लट्स लो की इमेजेज पर और कुछ हाई की इमेजेज पर अच्छा काम करते हैं और उनमें से कुछ उन इमेज पर अच्छा काम करते हैं जिनमें कुछ विशेष टोनल रेंज और फीलिंग होती है। इसलिए सही लट का चुनाव करना अपने आप में कला है और यह ट्रायल एरर से ही करना पड़ता है। चूंकि हमने 3D लट को एडजस्टमेंट लेयर पर इस्तेमाल किया है, इसलिए इसके प्रभाव को हम कई तरीकों से बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं एज अम्बर लट को इस इमेज पर अप्लाई कर रहा हूं। अब केवल लेयर की ओपेसिटी को कम करके आप इसके इफेक्ट को एडजस्ट कर इसे बेहतर बना सकते हैं।
अब मैं ब्लेंड मोड को बदल रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि वही लट अलग अलग तरह के इफेक्ट दे रहा है। अब आइए कलर लुकअप एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर ह्यू एंड सैचुरेशन का एक अलग एडजस्टमेंट लेयर बनाते हैं। अब ह्यू एंड सैचुरेशन के स्लाइडर को एडजस्ट कर आप उसी लट में बहुत से परिवर्तन ला सकते हैं और अनेकों सिनेमेटिक इफेक्ट तैयार कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आप खुद भी अपना लट्स बना सकते हैं। आइए देखें कि खुद लट्स कैसे बनाएं। इसके लिए आपके इमेज में केवल एक लेयर रहना चाहिए और वह लेयर भी बैकग्राउंड लेयर ही होना चाहिए। आप लेयर पैनल में लेयर के बगल में बैकग्राउंड लिखा हुआ देख सकते हैं। अगर यह बैकग्राउंड लेयर नहीं है तो लेयर मीनू खोलें, उनमें न्यू पर क्लिक करें और यहाँ बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर चुन लें। यह निहायत ही जरूरी है कि आप बैकग्राउंड लेयर पर काम करें और जो भी अतिरिक्त काम करें वह एडजस्टमेंट लेयर पर ही करें। अब कलर लुकअप एडजस्टमेंट लेयर को ऐड करें और कोई भी मनपसंद लट चुन लें। मैं यहाँ एजी अंबर को चुन रहा हूँ। अब मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर रहा हूँ। बाद में कलर लुकअप एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर ह्यू एंड सैचुरेशन एडजस्टमेंट लेयर बनाएं, जैसा कि आपने पहले बनाया था, और उसके स्लाइडर को एडजस्ट कर एक नया सिनेमेटिक कलर तैयार कर लें। अब फाइल मेनू खोलें और एक्सपोर्ट पर क्लिक करके यहां कलर लुकअप टेबल पर क्लिक करके लट एक्सपोर्ट डायलॉग को खोल लें। लट का नाम टाइप करें और सभी वैल्यूज को डिफॉल्ट में ही रहने दें। मैं यहाँ लट के नाम में राज फोटोटेक टाइप कर रहा हूँ। आप क्वालिटी में मैक्सिमम चुन सकते हैं, पर इससे फाइल साइज बड़ी हो जाएगी, इसलिए मीडियम को चुने तो बेहतर है। अब 3D पर चेक करके ओके पर क्लिक कर दें। अब आप उस जगह को चुनें जहाँ आपको लट सेव करना है और आपका लट तैयार हो जाएगा। मैंने इसे डेस्कटॉप पर सेव किया है, इसलिए डेस्कटॉप पर यहाँ आप इसे देख सकते हैं। अब मैं लेयर पैनल के सभी एडजस्टमेंट लेयर को डस्टबिन में ड्रैग करके डिलीट कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको सेव किए गए लेट को लोड करके उसके इफेक्ट को आपको दिखा सकूँ। अब एक बार फिर कलर लुकअप एडजस्टमेंट लेयर को लोड करें, 3D लट को खोलें, उसमें सबसे ऊपर लोड 3D का आइकॉन दिखेगा, उसे क्लिक करें और अपने सेव किए हुए लट फाइल पर क्लिक करके उसे लोड कर लें। देखिए, अब आपके द्वारा बनाया गया लट यहां दिखाई दे रहा है। अब इस पर क्लिक करके देखें, जैसे आपने इफेक्ट सेव किया था वही इफेक्ट यह लट भी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन यह लट तत्कालीन है। फोटोशॉप को बंद करने पर यह लट भी गायब हो जाएगा। इस लट को अगर आप परमानेंटली लोड करना चाहते हैं तो Ctrl+C दबाकर इसे कॉपी करें और अब इसे प्रोग्राम फाइल में लट प्रीसेट में सेव कर दें। इसके लिए सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल को खोलें उसमें एडोबी पर क्लिक करें और एडोबी फोटोशॉप 2019 पर क्लिक करके प्रीसेट्स को चुन लें। प्रीसेट्स में 3D लट पर क्लिक करके खोलें और उसमें कॉपी किए लट को Ctrl+V दबाकर पेस्ट कर दें। आपका प्रीसेट अब परमानेंटली सेव हो गया है, पर यह फोटोशॉप को बंद करने के बाद फिर से खोलने पर ही आपको दिखाई देगा। अब आप उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में आपने लट्स का इस्तेमाल कर अपनी तस्वीर में सिनेमैटिक इफेक्ट को देना सीखा, नया लट को बनाना भी सीखा
अब आप अपने किसी तस्वीर पर लट्स का इस्तेमाल करके देखें। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन मंगलमय हो। आशा है ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकॉन को दबा दें। इस अंक में इतना ही। अब नए वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। गुड बाय फॉर नाउ।